हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक स्टार्स प्रोजेक्ट। जो वर्ल्ड बैंक का स्टार्स प्रोजेक्ट है, हम इसके बारे में जानेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट स्टार वाज रिव्यूड रिसेंटली। जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट स्टार का, इसको रिव्यू किया गया अभी हाल ही में। व्हाट इज इट, ये है क्या? स्टार्स स्टैंड फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। स्टार्स जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम के लिए। स्टार प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो स्टार्स प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक नया सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। इट इज अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्रूव करेगा क्वालिटी को और गवर्नेंस को स्कूल के एजुकेशन का 6 इंडियन स्टेट में। 6 स्टेट आर, वो 6 स्टेट कौन कौन से है? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। ये 6 स्टेट एग्जाम मेमोराइज होने चाहिए। सम 250 मिलियन स्टूडेंट बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 17 इन 1.5 मिलियन स्कूल एंड ओवर 10 मिलियन टीचर विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन स्टूडेंट जो है, जिनका एज ग्रुप 6 से 17 के बीच में होगा, 1.5 मिलियन स्कूल पे और 10 मिलियन टीचर जो है उनको बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम से। रिफॉर्म इनिशिएटिव अंडर द प्रोजेक्ट इंक्लूड, जो रिफॉर्म इनिशिएटिव है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड है, तो फोकसिंग मोर डायरेक्टली ऑन द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विस एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय प्रोवाइडिंग कस्टमाइज लोकल लेवल सॉल्यूशन टुवर्ड स्कूल इंप्रूवमेंट। फोकस किया जाएगा मोर डायरेक्टली डिलीवर करने के ऊपर एजुकेशन सर्विसेज को स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोवाइड करते हुए एक कस्टमाइज लोकल लेवल सॉल्यूशन को स्कूल इंप्रूवमेंट के लिए। एड्रेस किया जाएगा डिमांड को स्टेक होल्डर के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूजन किया जाएगा बाय प्रोडक्ट बेटर डाटा को, ताकि एक्सेस किया जा सके क्वालिटी ऑफ लर्निंग को, दिया जा सके स्पेशल अटेंशन स्टूडेंट को वल्नरेबल सेक्शन का। इक्विपिंग टीचर टू मैनेज द ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट टीचर आर सेंटर टू अचीविंग बेटर लर्निंग आउटकम। इक्विप किया जाएगा टीचर को ताकि वो मैनेज कर सके, बदलाव ला सके, ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज करते हुए टीचर को, क्योंकि वो सेंट्रल है अचीव करने के लिए बेटर लर्निंग आउटकम्स को। इन्वेस्टिंग मोर इन डेवलपिंग इंडिया ह्यूमन कैपिटल नीड बाय स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल लर्निंग फॉर चिल्ड्रेन इन क्लास 1 to 3 एंड प्रिपेयरिंग देम विद द कॉग्निटिव, सोशियो बिहेवियर एंड लैंग्वेज स्किल टू मीट फ्यूचर लेवल मार्केट नीड। इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और ज्यादा डेवलप करने में इंडिया को ह्यूमन कैपिटल नीड के अनुसार, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके फाउंडेशनल लर्निंग को चिल्ड्रेन के लिए क्लास 1 से 3 तक के लिए, और तैयार करें उनको कॉग्निटिव, सोशियो बिहेवियर और लैंग्वेज स्किल के साथ, ताकि वो मीट कर सके फ्यूचर लेवल मार्केट के नीड को। यूनिक कंपोनेंट क्या है इस प्रोजेक्ट का? तो सीईआरसी, कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट। ये प्रोजेक्ट इंक्लूड अ कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट सीईआरसी अंडर द नेशनल कंपोनेंट, विच वुड इनेबल इट टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू एनी नेचुरल मैन मेड एंड हेल्थ डिजास्टर। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इंक्लूड करता है कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कॉम्पोनेंट सीईआरसी को नेशनल कॉम्पोनेंट के अंतर्गत, जो कि इनेबल करेगा इसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाएगा किसी भी टाइप के नेचुरल मैनमेड या हेल्थ डिजास्टर के खिलाफ। इट विल हेल्प द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन लीडिंग टू लॉस ऑफ लर्निंग सच एज स्कूल क्लोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इनएडिक्वेट फैसिलिटी एंड यूज टेक्नोलॉजी फॉर फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग एक्सेट्रा। ये मदद करेगा गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने में सिचुएशन के समय पे जिस कारण लॉस हो रहा है लर्निंग का, जैसे कि स्कूल अगर बंद है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है, वह इनएडिक्वेट फैसिलिटी होता है, तो उपयोग किया जाएगा टेक्नोलॉजी का फैसिलिटेट करने के लिए रिमोट लर्निंग के लिए। दी सीआरसी कॉम्पोनेंट वुड फैसिलिटेट द रैपिड रिकेटेगराइजेशन ऑफ फाइनेंसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट प्रोसीड्योर। और ये जो सीआरसी कॉम्पोनेंट है, ये फैसिलिटेट करेगा रैपिड रिकेटेगराइजेशन को फाइनेंसिंग का, और यूटिलाइजेशन को स्ट्रीम लाइन करेगा फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट प्रोसीड्योर को। इसी में हम पारक के बारे में भी जान लेंगे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पारक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एज ए नेशनल असेसमेंट सेंटर। एक जो मेजर कंपोनेंट है इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसमें एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है पारक को, जो कि स्टैंड करता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पर काम करेगा। इंक्लूडेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दिस ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री विल सेट नॉर्म्स फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन फॉर ऑल स्कूल बोर्ड अक्रॉस द कंट्री, मोस्टली ऑफ विच करेंटली फॉलो नॉर्म्स सेट बाय स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो है इंक्लूड करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होगा यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो कि तैयार करेगा नॉर्म्स को स्टूडेंट असेसमेंट के लिए और इवेल्युएशन के लिए सारे स्कूल बोर्ड में अक्रॉस द कंट्री के, और ज्यादातर जो है वो करंटली फॉलो कर रहे हैं नॉर्म्स
टीम्स को जिसको सेट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो है गाइड करेगा स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को भी, ताकि मॉनिटर किया जा सके लर्निंग आउटकम्स को स्टेट और नेशनल लेवल पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओ। हम जानेंगे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में। The Union Cabinet has approved the provisioning of mobile services in over 7,000 uncovered villages through the Universal Service Obligation Fund. The Union Cabinet है, उन्होंने approve कर दिया provision को, जिसमें mobile service जो है over 7,000 uncovered villages में provide किया जाएगा Universal Service Obligation Fund के माध्यम से। What do you mean by universal service? ये universal service हम क्या समझते हैं? In the modern world, universal service refers to having a phone and affordable phone service in every home. मॉडर्न वर्ल्ड में यूनिवर्सल सर्विस का मतलब होता है एक फोन होना चाहिए और अफोर्डेबल फोन सर्विस होना चाहिए हर एक होम पे। इट मींस प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस विद एक्सेस टू अ डिफाइंड मिनिमम सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी टू ऑल यूजर एवरीवेयर एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इसका मकसद है कि प्रोवाइड किया जाए एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को जहाँ पे जो एक्सेस है डिफाइंड मिनिमम सर्विस का स्पेसिफाइड क्वालिटी के लिए सारे यूजर को एवरीवेयर अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड किया जा सके। In 1837, a concept was rolled on by Rowland Hill, a British educator and tax reformer, which included uniform rate across the UK and prepayment by sender via postage stamp. 1837 के समय पे ये जो concept था इसको roll out किया गया था Rowland Hill के द्वारा, जो कि एक British educator और tax reformer भी रह चुके हैं, जिसने include किया था uniform rate को पूरे UK पे और prepayment जो था इसको activate किया था sender के लिए postage stamp के माध्यम से। ये USOF है क्या? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन वन को फॉर्म किया गया था एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 2002 पे इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से। ये जो एम्स, इसका एम्स था कि प्रोवाइड किया जाए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोविजन ऑफ टेलीकॉम सर्विस को कमर्शियली अनवायबल रूरल और रिमोट एरियाज में कंट्री के। इट इज एन अटैच ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड इज हेडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक अटैच ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, इसको हेड किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्कोप क्या है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का? इनिशियली द यूएसओएफ वाज एस्टैब्लिश्ड विद द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक टेलीकॉम सर्विस टू द पीपल इन रूरल एंड रिमोट एरियाज एट अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस। और इनिशियली जो यूएसओएफ है इसको एस्टैब्लिश किया गया था फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि प्रोवाइड किया जा सके एक्सेस को बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज का पीपल को रूरल और रिमोट एरियाज में अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस में। सब्सिक्वेंटली दिस स्कोप वाज वाइडेंड, और सब्सिक्वेंटली इसके स्कोप को वाइडेंड किया गया। नाउ इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडी सपोर्ट फॉर इनेबलिंग एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग मोबाइल सर्विस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड रिमोट एरिया। अब इसका मकसद है प्रोवाइड करना सब्सिडी सपोर्ट को, इनेबल करना एक्सेस को सारे टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विस के लिए, जिसमें कि मोबाइल सर्विस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है रूरल और रिमोट एरियाज के लिए। फंडिंग ऑफ द यूएसओएफ, फंडिंग कैसे हो रहा है यूएसओएफ का? द रिसोर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएसओ आर रेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग ए यूनिवर्सल सर्विस लिवाई विच इज 5% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो रिसोर्स है इम्प्लीमेंटेशन का यूएसओ का, इसको रेज किया जाता है कलेक्ट करके एक यूनिवर्सल सर्विस लिवाई को, जो कि 5% होता है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नेचर क्या है इस फंड का? तो यूएसओएफ इज नॉन लैप्सेबल फंड, जो यूएसओएफ है ये नॉन लैप्सेबल फंड है। जो लिवाई अमाउंट होता है उसको क्रेडिट किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ये जो फंड है इसको अवेलेबल कराया जाता है यूएसओएफ को अप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राहुल मूव्स हाईकोर्ट टू क्वेश्चन डिफेमेशन केस। राहुल जो है, राहुल गांधी वो हाईकोर्ट में गया है डिफेमेशन केस को क्वेश्चन करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है डिफेमेशन क्या है, इससे रिलेटेड जो सेक्शन होंगे आर्टिकल होंगे ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हम ब्रीफली देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया था, इश्यू क्या था इसको भी। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी हैज मूव्ड टू बॉम्बे हाईकोर्ट सीकिंग टू क्वेश्चन अ डिफेमेशन केस फाइल बाय ए लोकल बीजेपी लीडर। जो फॉर्मर कांग्रेस के प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, वो बॉम्बे हाईकोर्ट गए हैं क्वेश्चन कर लेकर, जो डिफेमेशन केस फाइल किया गया था लोकल बीजेपी लीडर के द्वारा। इस कारण इश्यू क्या था? द केस वॉज फाइल बाय महेश श्री सिमरल बिफोर द गिरगांव मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन 2018। सेड दैट मिस्टर गांधी कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमांडर इन चीफ। मिस्टर श्री सिमरल फेल्ट डिफेम्ड सिंस ही वॉज मेंबर ऑफ हिज पार्टी।
ये जो केस है इसको फाइल किया गया था महेश श्रीमल के द्वारा गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2018 में। इन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कमांडर इन चीफ कहा है। मिस्टर श्रीमल को इस कारण डिफेम महसूस हुआ है क्योंकि वो मेंबर है पार्टी के। गांधी हैज फाइल्ड अ पिटीशन टू क्वेश्चन द केस ऑन द ग्राउंड दैट इन डिफेमेशन केस द पार्टी हैज टू बी एग्री पर्सनली एंड डायरेक्टली। गांधी ने फाइल किया एक पिटीशन को जो कि क्वेश्चन करता है केस को इस ग्राउंड से कि डिफेमेशन केस जो है तभी फाइल किया जाएगा जब एग्रीव जो है वो पर्सनली व डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। व्हाट इज डिफेमेशन? डिफेमेशन है क्या? डिफेमेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस प्रोडक्ट ग्रुप गवर्नमेंट रीजन और नेशन। डिफेमेशन जो है ये कम्युनिकेशन है फॉल्स स्टेटमेंट का जो कि हार्म करता है रेपुटेशन को किसी भी इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस प्रोडक्ट ग्रुप गवर्नमेंट रिलीजन और नेशन का। In India, defamation can both be a civil wrong with a criminal offence. The difference between the two lies in the object they seek to achieve. India में defamation जो है वो दोनों ही civil wrong या criminal offence के लिए हो सकता है। Difference जो है वो lie करता है object जिसके लिए उसको किया गया है। A civil wrong tends to provide for a redressal of wrong by awarding compensation, and a criminal law seeks to punish a wrongdoer and send a message to other not to commit such act. सिविल रॉन्ग में प्रोवाइड किया जाता है रिग्रेसल को रॉन्ग के लिए कम्पनसेशन देके, और क्रिमिनल लॉ पे पनिश किया जाता है रॉन्ग डियर को ताकि एक मैसेज पहुंच सके कि बाकी लोग कमिट नहीं करें ऐसे एक्ट को। लीगल प्रोविजन क्या है इसके लिए? क्रिमिनल डिफेमेशन हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। जो क्रिमिनल डिफेमेशन है इसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया एक ऑफेंस के तौर पे सेक्शन 499 में इंडियन पेनल कोड का। सिविल डिफेमेशन इज बेस्ड ऑन टॉर्ट लॉ एन एरिया ऑफ लॉ विच डज नॉट रिलाई ऑन स्टैट्यूट टू डिफाइन रॉन्ग बट टेक फ्रॉम एन इवर इंक्रीजिंग बॉडी ऑफ केस लॉ टू डिफाइन व्हाट वुड कंस्टिट्यूट अ रॉन्ग। जबकि सिविल डिफेमेशन जो है वो बेस्ड है टॉर्ट लॉ पे, ये एक एरिया ऑफ लॉ है जो कि नहीं रिलाई करता है स्टैट्यूट के ऊपर डिफाइन करने के लिए रॉन्ग को, जबकि इवर इंक्रीजिंग बॉडी और केस लॉ जो है ये डिफाइन करते हैं कि क्या कंस्टिट्यूट करता है रॉन्ग के तौर पे। सेक्शन 499 स्टेट डिफेमेशन कुड बी थ्रू वर्ड स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड थ्रू साइन एंड ऑल्सो थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन। और सेक्शन 499 जो है ये स्टेट करता है कि जो डिफेमेशन है वो वर्ड स्पोकन या इंटेंडेड जो कि रीड किया जा सकता है वो साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हो किया जा सकता है। सेक्शन 499 जो है वो साइड करता है एक्सेप्शन को इसके लिए, जिसमें कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ आता है जिसके लिए पब्लिक गुड के लिए अगर किया गया तो उसको नहीं माना जाएगा। ये अगर पब्लिश किया गया पब्लिक कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा या कंडक्ट जो किसी पर्सन का वो टच करा यानी पब्लिक क्वेश्चन या मेरिट को लेकर, यानी मेरिट बेस में तो इसको नहीं माना जाएगा डिफेमेशन। सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी विच इज ऑन पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन रीड हूएवर डिफेम्स अनदर शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। सेक्शन 500 है इंडियन पेनल कोड का, इसमें जो है पनिशमेंट डिफेमेशन के लिए कहा गया है कि जो भी डिफेम करता है दूसरे को उसको पनिश किया जाएगा सिंपल इजरमेंट से एक टर्म के लिए जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक के लिए, जिसमें फाइन का भी प्रावधान है, या दोनों का। मिस यूज ऑफ द लॉस एंड कंसर्न एसोसिएटेड, जो मिस यूज किया जाता है इस लॉ का जो कंसर्न एसोसिएटेड जिससे, ये क्रिमिनल प्रोविजन है ऑफन बी यूज प्योरली एज अ मीन्स ऑफ हैरेसमेंट। जो क्रिमिनल प्रोविजन है इसको ऑफन यूज किया जाता है एक मीन्स ऑफ हैरेसमेंट के तौर पे। गिवेन द कंबरसम नेचर ऑफ इंडियन लीगल प्रोसीड्यूर द प्रोसेस इटसेल्फ टर्न्स इनटू पनिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट ऑफ द केस। ये जो कंबरसम नेचर है इंडियन लीगल प्रोसीड्यूर का, ये जो प्रोसेस है ये टर्न्स हो जाता है पनिशमेंट में बिना मेरिट को देखते हुए केस के। क्रिटिक्स का आर्ग्यू करना है कि जो डिफेमेशन लॉ है ये इम्प्रिगेंट कर रहा है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, और जो सिविल डिफेमेशन है ये एडिकेट रेमेडी है रॉन्ग डूअर के लिए। क्रिमिनल डिफेमेशन हैज ए पर्निशियस इफेक्ट ऑन सोसाइटी, फॉर इंस्टेंस द स्टेट यूज इट एज अ मीन्स टू कोहर्स द मीडिया एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट इनटू अडॉप्टिंग सेल्फ सेंसरशिप एंड अनवारंटेड सेल्फ रेस्ट्रेंट। और जो क्रिमिनल डिफेमेशन है ये एक पेरेनिशियस इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर, इंस्टेंट के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो स्टेट है वो यूज करते हैं इसको एक मींस के तौर पे कोहर्स करने के लिए मीडिया और पॉलिटिकल ओपोनेंट को, या वो एडॉप्ट करता है सेल्फ सेंसरशिप को अनवारंटेड सेल्फ रेस्ट्रेंट को। व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या कहा है? इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 कोर्ट ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सेक्शन 499 एंड 500 क्रिमिनल डिफेमेशन का इंडियन पेनल कोड का। अंडरलाइन किया है कि जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट है लाइक टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन इसको नहीं रून किया जा सकता है सॉरली क्योंकि अनदर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है। अगस्त 2016 में कोर्ट ने पास किया था इस स्ट्रक्चर को तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जय जयललिता के लिए फॉर मिसयूज करने के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को सपोकेट करने के लिए डेमोक्रेसी को, और कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक फिगर जो है
मस्ट फेस क्रिटिसिज्म कि उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू पाक लॉ एलो जाधव टू फाइल अपील। जो नया पाकिस्तान का लॉ है ये एलो करता है जो जाधव है वो फाइल कर सकते हैं अपील को, तो हम समझेंगे इसके बारे में। पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ टू गिव इंडियन डेथ रो प्रिजनर कुलभूषण जाधव द राइट टू फाइल अ रिव्यू अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन बाय अ मिलिट्री कोर्ट। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया एक लॉ को जो कि दे रहा है इंडियन डेथ रो प्रिजनर कुलभूषण जाधव को अधिकार कि वो फाइल कर सकते हैं एक रिव्यू अपील को कन्विक्शन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के। बैकग्राउंड क्या है, मिस्टर जाधव 51 ईयर ओल्ड रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ एस्पायनेज एंड टेररिज्म इन अप्रैल 2017। मिस्टर जाधव है जो कि 51 ईयर ओल्ड रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर है, उनको डेथ की सजा सुनाई गई है पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के द्वारा। उनके ऊपर स्पायनेज और टेररिज्म का चार्ज लगाया गया है अप्रैल 2017 में। अभी तक डेवलपमेंट क्या है, इंडिया जो है उसने अप्रोच किया है आईसीजे के पास पाकिस्तान को लेके, को डिनाई कर रहा है कॉन्सुलर एक्सेस जो कि वेना कन्वेंशन में मेंशन किया गया है, उसका विरोध कर रहा है पाकिस्तान, उसके खिलाफ है जाधव को, और चैलेंज किया डेथ सेंटेंस को इंडिया ने आईसीजे के पास। हियरिंग दोनों साइड को सुनने के बाद हेग्यू वेस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इश्यू किया एक वर्डिक्ट को जुलाई 2019 में, और उन्होंने कहा है पाकिस्तान को कि वो इंडिया को काउंसलर एक्सेस दे मिस्टर जाधव के लिए और इंश्योर करे रिव्यू उसके कन्विक्शन के लिए। इट ऑल्सो रूल दैट पाकिस्तान मस्ट अंडरटेक एन इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ जाधव। और आईसीजे ने रूल किया कि जो पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिव रिव्यू करे, रिकंसिडरेशन करे कन्विक्शन को लेकर और सेंटेंस को लेकर जाधव का। इम्प्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन फॉर इंडिया, क्या इम्प्लीकेशन है इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन का इंडिया के लिए। इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इज अ फ्रेज विच इज डिफरेंट फ्रॉम रिव्यू एज वन अंडरस्टैंड इन ए डोमेस्टिक कोर्ट। जो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन है ये एक फ्रेज है जो कि डिफरेंट है रिव्यू से, जैसा कि हम समझते हैं डोमेस्टिक कोर्ट में। ये इंक्लूड करता है कि दिया जाएगा काउंसलर एक्सेस को और मदद जाधव को प्रिपेयर करने के लिए अपने डिफेंस को। इट मीन्स दैट पाकिस्तान हैज टू डिस्क्लोज दिस चार्ज एंड ऑल्सो द एविडेंस विच इज हैज बीन एब्सोल्युटली ओपेक अप टिल नाउ। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान को डिस्क्लोज करना होगा चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं और एविडेंस शो करना होगा जो कि अभी तक एब्सोल्युटली ओपेक था अभी तक के लिए। पाकिस्तान वुड ऑल्सो हैव टू डिस्क्लोज दिस सर्कमस्टेंसेज इन विच जाधव कन्फेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड बाई द मिलिट्री। अब पाकिस्तान को डिस्क्लोज करना होगा सर्कमस्टेंसेज को जिसमें जाधव का जो कन्फेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था मिलिट्री के द्वारा। इट इम्प्लाइज दैट जाधव विल हैव अ राइट टू डिफेंड विच एवर फोरम और कोर्ट हियर हिज केस। ये इम्प्लाई करता है कि जाधव के पास अब अधिकार होगा डिफेंड करने का खुद को जिस भी फोरम या कोर्ट में हियर किया जाएगा केस को। वहां पे वेना कन्वेंशन है क्या जिसका उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने ये जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं देके। द वेना कन्वेंशन ऑन काउंसल रिलेशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट डिफाइन काउंसल रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट। जो वेना कन्वेंशन है काउंसलर रिलेशन को लेके, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिफाइन करता है काउंसलर रिलेशन को इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। आर्टिकल 36 ऑफ द वेना कन्वेंशन स्टेट दैट फॉरेन नेशनल हु आर अरेस्टेड और डिटेन इन द होस्ट कंट्री मस्ट बी गिवन नोटिस विदाउट डिले ऑफ देयर राइट टू हैव देयर एम्बेसी और कॉन्सुलेट नोटिफाइड ऑफ दैट अरेस्ट। आर्टिकल 36 जो है वेना कन्वेंशन का ये कहता है कि जो फॉरेन नेशनल है जिनको अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया होस्ट कंट्री के द्वारा, उनको नोटिस देना होगा बिना कोई डिले के और राइट देना होगा उनके एम्बेसी को और कॉन्सुलेट को नोटिफाई करना होगा उनके अरेस्ट के बारे में। इफ द डिटेन्ड फॉरेन नेशनल शो रिक्वेस्ट द पुलिस मस्ट फैक्ट दैट नोटिस टू द एम्बेसी और कॉन्सुलेट विच कैन देन वेरीफाई द डिटेन्ड पर्सन। और अगर डिटेन किया जा रहा है फॉरेन नेशनल को तो रिक्वेस्ट पे, तो जो पुलिस है वो फैक्स करेंगे नोटिस को एम्बेसी व कॉन्सुलेट के पास और उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा डिटेन पर्सन को लेकर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.